लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा आगरा पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य गांव चलो अभियान की आगरा जिले में शुरुआत करना था। यह बैठक सेवला रोड स्थित राज पैराडाइज होटल में आयोजित की गई, जहां पवन कुमार वर्मा ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इस अभियान को धरातल पर लाने की जिम्मेदारी सौंपी। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा आगरा पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और फिर गांव चलो अभियान की आगरा में शुरुआत की। इस अभियान को लेकर उन्होंने सेवला रोड स्थित राज पैराडाइज होटल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और पार्टी के इस अभियान को आगरा जिले में धरातल पर लाने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान वह पत्रकारों से भी रूबरू हुए। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में इस अभियान को छेड़ा गया है। पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, जिससे आगामी चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को यहां से लड़ाया जा सके। इस दौरान वह विपक्षी दलों पर भी हमलावर होते हुए दिखाई दिए। सपा के नेता द्वारा नाबालिग के साथ दुराचार करने की घटना पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज हम लोग जो है पार्टी को विस्तार देने के लिए मैं यहाँ समय समय पर आता रहता हूँ। थोड़े समय पहले भी मैं यहाँ आया था, लेकिन हमने इस बार एक अभियान चलाया चलो गाँव की ओर, जिसका शुभारंभ हमने सहारनपुर से किया और उसी कड़ी में हम फिर मुजफ्फरनगर गए, मेरठ में प्रोग्राम किया और अभी मुरादाबाद किया, हापुड़ किया और गाजियाबाद किया। हर हम जिले में और घूम रहे हैं, कहीं मंडल के लोगों को बुलाते हैं, कहीं करते हैं। तो हमने पार्टी को बढ़ाने के लिए हर गांव में जाने का निर्णय लिया है और 3 माह में नए 5,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य हमने रखा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आगरा जिला अध्यक्ष डॉक्टर जे एस तोमर ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा का जोरदार स्वागत किया। 30 किलो की माला से उनका स्वागत किया गया, साथ ही उन्हें तलवार भी भेंट की और फिर उसके बाद गांव चलो अभियान को लेकर चर्चाएं की गईं। जिला अध्यक्ष डॉक्टर जे एस तोमर का कहना था कि पार्टी ने आम गरीब और किसानों को जोड़ने के लिए जिस अभियान की शुरुआत की है, उसे हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे हर घर से एक व्यक्ति पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में शामिल हो और सक्रिय कार्यकर्ता बने। आज हमारे पूरे आगरा मंडल की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय परम वर्मा जी आए हैं, सभी जिले के जिलाध्यक्ष हैं और आगरा की कमेटी मौजूद है। आज जो है चलो गांव की ओर का एक नारा है और आज हमारी पार्टी अपने चुनाव लड़ने के दम पर आगे बढ़ने का काम कर रही है, जिसमें हर गांव तक, हर गरीब मजदूर तक मिलने का काम करेगी और आगे वाले समय में गांव तक संगठन मजबूत करने का काम करेगी। आप तो खुद एक किसान वर्ग से जुड़े हुए, तो क्या किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है, क्या पूरी बात ऐसा है? इस संगठन में और इस पार्टी में सभी मीडियाकर्मी हमारे पुराने साथी हैं, हमने जो आवाज़ उठाई है दलित गरीब मजदूर की उठाई है। उन्होंने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही गरीब और किसानों की बात कर रहे हैं। इस समय एससी एसटी में क्रीमी लेयर को आरक्षण से मुक्त कराने का जो मुद्दा उठा है, वह चिराग पासवान ने नहीं उठाया है। इस दौरान सभी लोगों ने पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया और आगरा जिले में चलो गाँव की ओर अभियान को सफल बनाने की बात कही। मून न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।